अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, पलपल न्यूज के बुलेटिन में आप सबका खैर मकदम है और मैं हूं आपके साथ नदीम अकरम। बाबरी मस्जिद से जुड़ी तमाम अपडेटों को पलपल न्यूज जो यूट्यूब की दुनिया का एक छोटा सा चैनल है, उस छोटे से चैनल पर बाबरी मस्जिद की हक और हकायक की बात जिस तरह रखी गई उसे लोगों ने काफी पसंद किया और उस पर अभी 15 मिनट पहले तक 2 करोड़ से ज्यादा बार बाबरी से जुड़ी खबरों को देखा जा चुका है और लोग हर बार ये बताने की पूछने की कोशिश करते रहते हैं कि बाबरी मस्जिद पर क्या होगा, उसका फैसला बताइए। जिस तरीके का माहौल बनाने की कोशिश की जा रही है उस माहौल में बाबरी की हकीकत को 2 करोड़ लोगों तक पहुंचाना मेरा मकसद सफल होता हुआ नजर आता है। जिस तरह लोगों ने मेरी इस खबर को पसंद किया है और लोगों के लिए बस एक ही शेर कहना चाहता हूं, मैं अकेला ही चला था जानी बे मंजिल मगर, मैं अकेला ही चला था जानी बे मंजिल मगर, लोग जुड़ते गए काफिला बनता गया। बाबरी मस्जिद से जो खबरों को अपडेट की गई और जो कोर्ट के अंदर का माहौल रहा, कोर्ट के बाहर जो भी बातें उठी, उन तमाम रिपोर्टों को जिस तरह आप लोगों ने सराहा है उसके लिए आप लोगों का शुक्रिया करने के लिए मैं आपके सामने जुड़ा हूं। पर बाबरी से जुड़ी बुलेटिन में जो खबरें आज आपके सामने लेकर के आया हूं उस पर भी एक बार नजर डाल लीजिए। बाबरी से जुड़ी पहली खबर ये है कि राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ के वरिष्ठ नेता इंद्रेश कुमार ने कहा कि अयोध्या में 400-500 साल पुराना फसाद अब निपटने में कुछ ही दिन और कुछ घंटे बाकी हैं। एक खबर के अनुसार उन्होंने कहा कि जो भी फैसला आएगा वह किसी की ना तो जीत होगी और ना ही किसी की हार होगी, इसे मजहब से नहीं जोड़कर देखा जाना चाहिए। आरएसएस नेता ने कहा कि देश में हिंदू मुस्लिम सहित हर जाति धर्म के लोग पहले खुद को भारतीय मानते हैं, हर कोई देश में शांति चाहता है। संघ की अखिल भारतीय कार्यकारिणी के सदस्य इंद्रेश कुमार ने कहा, जब 8.40 करोड़ महिलाओं को जुल्म से और 8.62 करोड़ पुरुषों को जहन्नुम से बचाने वाला 3 तलाक कानून आया था तो ये मुस्लिमों के अंदर का फैसला था, तब भी कुछ लोगों ने इसे हिंदू मुस्लिम बनाने की कोशिश की थी मगर बिना किसी दंगे के ये फैसला निकल गया। इसी तरह जब अयोध्या केस में हाईकोर्ट ने जमीन को बांटा था तब भी भावनाएं भड़काने की कोशिश हुई थी। उन्होंने कहा कि मगर जनता भय भ्रम में आकर भड़की नहीं, जिसने सौहार्दपूर्ण तरीके से मामला कानूनी प्रक्रिया में चला गया। ऐसे कई फैसले इस बात का सबूत है कि देश की जनता अमन, भाईचारा और तरक्की चाहती है। कुछ लोग भय भ्रम फैलाकर लोगों को भड़काना चाहते हैं मगर लोग उनके चक्रव्यूह में नहीं फंसने वाले। मुसलमान भी चाहते हैं कि उनके साथ संवाद हो। सच तो ये है कि पिछले 1000 वर्षों से मुसलमानों के साथ संवाद नहीं हुआ और अगर हुआ भी तो वह सफल नहीं हुआ, मगर पिछले 20 वर्षों से शुरू हुआ संवाद अब परिपक्वता की ओर बढ़ रहा है। इसी के साथ दूसरी खबर ये है कि बाबरी मस्जिद पर फैसला आने से पहले पूरे देश में अमन और शांति बनाए रखने के लिए हर संभव कदम उठाए जा रहे हैं। अयोध्या फैसले से पहले केंद्रीय मंत्री मुख्तार अब्बास नकवी के आवास पर बैठक हुई। इस बैठक में मुस्लिम धर्मगुरु और राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ के नेता मौजूद रहे। इसके अलावा बैठक में भारतीय जनता पार्टी के शहनवाज हुसैन और फिल्म निर्माता मुजफ्फर अली भी बैठक में मौजूद रहे। केंद्रीय मंत्री मुख्तार अब्बास नकवी के आवास पर बैठक के बाद शिया धर्मगुरु मौलाना सैयद कल्बे जब्बार ने पत्रकारों से बातचीत करते हुए कहा कि सुप्रीम कोर्ट अयोध्या मामले पर जो भी फैसला सुनाएगा हम सभी को उसका सम्मान करना चाहिए। वहीं अखिल भारतीय सूफी सज्जादा नशीन परिषद के अध्यक्ष सैयद नसीरुद्दीन चिश्ती ने कहा कि हर किसी को एकमत होना चाहिए और सभी धर्मों के लोगों को सुप्रीम कोर्ट के फैसले का सम्मान करना चाहिए। हम सभी दरगाहों के लोगों को दिशा निर्देश देंगे कि वे अफवाहों और फर्जी खबरों पर विश्वास ना करें।
बाबरी पर तीसरी खबर यह है कि नई दिल्ली में मुस्लिम धर्मगुरुओं और बुद्धिजीवियों के साथ मंगलवार को बैठक हुई। भाजपा और आरएसएस के नेताओं ने कहा कि फैसला जो भी होगा, लेकिन इनको लेकर जुनूनी जश्न और हार का हंगामा जैसी अतिवादी प्रतिक्रिया नहीं होनी चाहिए। इस मामले में सुप्रीम कोर्ट 17 नवंबर को मुख्य न्यायाधीश जस्टिस रंजन गोगोई के फैसले के बाद निर्णय लेगा। अल्पसंख्यक मामलों के केंद्रीय मंत्री मुख्तार अब्बास नकवी के निवास पर हुई इस बैठक में आरएसएस नेता कृष्ण गोपाल और रामलाल के साथ पूर्व केंद्रीय मंत्री शहनवाज हुसैन, जमीयत उलमा हिंद के महासचिव मौलाना महमूद मदनी, शिया धर्मगुरु कल्बे जव्वाद और फिल्म निर्माता मुजफ्फर अली शामिल रहे। सूत्रों के मुताबिक बैठक में आरएसएस नेता गोपाल ने कहा, क्या ये जरूरी है कि मुसलमानों का नेता हो और हिंदुओं का भी नेता हो? उन्होंने कहा कि मुसलमानों का नेतृत्व एक हिंदू क्यों नहीं कर सकता और हिंदुओं का नेता एक मुसलमान क्यों नहीं कर सकता। बैठक में शामिल रामलाल ने देश पहले की नीति पर चलने की बात कही। साथ ही ये भी कहा कि आरएसएस के किसी प्रमुख ने आज तक मुस्लिम समुदाय के खिलाफ एक शब्द भी नहीं बोला है। उन्होंने कहा किसी व्यक्ति के बयान को पूरे संगठन का बयान नहीं समझा जाना चाहिए। बैठक के बाद शिया धर्मगुरु कल्बे जव्वाद ने कहा कि बैठक में तय हुआ कि सभी से अदालत के फैसले का सम्मान करने की अपील की जाए। उन्होंने कहा जो केस जीते वह अति उत्साह में ना आए, यही बात हारने वाले के साथ भी लागू है। इसे हार जीत के तौर पर देखा ही नहीं जाना चाहिए। उन्होंने कहा कि बैठक में ये भी तय हुआ कि अगली बार हिंदू समूहों के साथ बातचीत की जाएगी, जिसमें विश्व हिंदू परिषद और शिवसेना को भी बुलाया जाए। बाबरी मस्जिद पर चौथी बड़ी खबर ये है कि आज बहुजन समाज पार्टी की सुप्रीमो मायावती ने कहा कि अयोध्या मामले में सुप्रीम कोर्ट का फैसला आज कल में ही आने की संभावना है। मायावती ने अपने ट्वीट संदेश में समस्त देशवासियों से अयोध्या मामले में सुप्रीम कोर्ट के फैसले का हर हाल में सम्मान करने की अपील की है। इसके अलावा मायावती ने केंद्र और राज्य सरकारों से ही अपनी संवैधानिक और कानूनी जिम्मेदारी को निभाने और जनमानस के जान माल की सुरक्षा निश्चित करने की भी अपील की है। अपने ट्वीट संदेश में मायावती ने लिखा, अयोध्या प्रकरण के संबंध में ना सुप्रीम कोर्ट का फैसला आज कल में ही आने की संभावना है, जिसको लेकर जनमानस में बेचैनी व विभिन्न आशंकाएं स्वाभाविक हैं। ऐसे में समस्त देशवासियों से विशेष अपील है कि वह कोर्ट के फैसले का हर हाल में सम्मान करें, यही देश हित व जनहित में सर्वोत्तम उपाय है। साथ ही सत्ताधारी पार्टी व केंद्र एवं राज्य सरकार की भी यह संवैधानिक व कानूनी जिम्मेदारी बनती है कि वह इस खास मौके पर लोगों के जानमाल व मजहब के सुरक्षा की हर प्रकार की गारंटी सुनिश्चित करें और सामान्य जनजीवन को प्रभावित ना होने दें। पांचवी बड़ी खबर ये है कि अयोध्या मामले पर फैसला 17 नवंबर से पहले कभी भी आ सकता है। इस बीच कांग्रेस की कार्य समिति यानी CWC की मीटिंग 10 नवंबर को होने जा रही है। इस बीच पार्टी के सूत्रों ने दावा किया कि कांग्रेस इस मीटिंग में अयोध्या मसले पर शीर्ष अदालत के फैसले से पहले अपनी रणनीति तैयार करने वाली है। इस बात की जानकारी इसके साथ ही इस मीटिंग में 18 नवंबर को आरंभ होने वाले संसद के आगामी शीतकालीन सत्र से पहले महत्वपूर्ण राजनीतिक मुद्दों और आर्थिक मंदी पर भी चर्चा होने की संभावना जताई जा रही है। बताया जा रहा है कि कांग्रेस के अंतरिम अध्यक्ष सोनिया गांधी कांग्रेस की कार्य समिति की मीटिंग का नेतृत्व करेंगी, जिसमें पार्टी के बड़े नेता उपस्थित रहेंगे। कांग्रेस की कार्य समिति ने 10 अगस्त को सोनिया गांधी को पार्टी का अंतरिम अध्यक्ष नियुक्त किया था। आपको बता दें कि शीर्ष अदालत को उम्मीद है कि मुख्य न्यायाधीश रंजन गोगोई के सेवानिवृत्त से पहले 17 नवंबर तक अयोध्या विवाद मामले में वह अपना निर्णय सुना देंगे। तो दोस्तों, आपने देखा कि बाबरी मस्जिद में पहली खबर जो सामने रखी गई वो थी इंद्रेश कुमार की। इंद्रेश कुमार जो आरएसएस के फायर ब्रांड नेताओं में से एक हैं, वो अमन और शांति बनाए रखने की अपील
तो कह रहे हैं, पर साथ ही साथ ये भी बताने की कोशिश कर रहे हैं कि तीन तलाक पर फसाद नहीं हुआ, हमने तमाम मुद्दों को उठाया तब फसाद नहीं हुआ, तो अब क्या फसाद होगा। और इसी के साथ साथ मायावती जी ने भी बयान दिया है सोशल मीडिया के जरिए कि बाबरी मस्जिद पर फैसला आजकल में आ जाएगा। तो वहीं बाबरी मस्जिद के फैसले से पहले कांग्रेस भी पूरी तरीके से चौकन्नी हो चुकी है और वो अपनी मीटिंग रखने जा रही है 10 नवंबर को। फैसले से पहले अपने नेताओं को गाइडलाइन दी जाएगी जिससे देश का माहौल खराब ना हो सके। तो बाबरी से जुड़ी तमाम बुलेटिन की खबरों को लेकर के मैं आपके सामने हाजिर होता रहूंगा। आपको ये खबर कैसी लगी कमेंट बॉक्स में आकर के अपनी राय जरूर दीजिएगा। शुक्रिया।